आइए हम अपनी आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से उनकी बनाई हुई उत्तम व्यवस्थाओं में आज हम सबको वह पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी मिलकर वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी एक व्यवस्थित और अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाह्य कर्मों को, बाह्य क्रियाओं को रोक कर रखेंगे, स्थगित कर देंगे, जिससे कि संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण आंतरिक वृत्तियां कक्षा के विषय पर ही लगी रहें। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरलता से, शीघ्रता से सीख पावे, समझ पावे और इसे अपने व्यावहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावे। आप हमें वैसी योग्यता दीजिए। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर 3 बार परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अरे जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। धन्यवाद मोहित जी, आप सभी को सादर प्रणाम। वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वर्णोच्चारण शिक्षा के 6ठे प्रकरण को हम देख रहे थे। पुनरावृत्ति देख लेते हैं 6ठे प्रकरण की। अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन चानुनासिक भेदाच्च संख्यातो अष्टादशात्मकः एवमी वर्णादयः। अकार के उदात्त अनुदात्त आदि दृष्टि से 3 भेद माने और एक एक के साथ जब ह्रस्व का ह्रस्व के उदात्त, ह्रस्व के अनुदात्त और ह्रस्व के स्वरित, इस प्रकार से 3-3, एक के 3 ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, 3 ये हो गए। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, 3 ये हो गए। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित, 3 ये हो गए। 9 इस प्रकार से 9 भेद होते हैं। लेकिन जब ये सानुनासिक हो जाते हैं तो तब इनके 9 भेद और बढ़ जाते हैं, तब इनके 18 भेद हो जाते हैं। किंतु विशेष इसमें क्या है, लरी वर्णस्य दीर्घा न संति। लरीकार जो एक वर्ण है, आ ई उ री लरी, ये है ना, तो इसमें जो लरीकार है इसका दीर्घ भेद नहीं होता। ये केवल या तो ह्रस्व होता है अथवा प्लुत माना जाता है, जैसे लरी पका इति। तो तन द्वादश प्रभेदमा चक्षते से लृकार को 12 भेद से युक्त माना जाता है। दीर्घ नहीं होता इसलिए 12 भेद वाला। और अन्य वर्ण सभी, जो सभी स्वर हैं वो कैसे हैं,
वो 18 भेद वाले माने जाते हैं, 9 निरनुनासिक और 9 सानुनासिक। अगला है, यद ऋच्छा शब्दे अशक्ति जानु करणे वा यदा दीर्घा स्युस्तदाष्टादशात्मक, क्षमा चाहूंगा, दीर्घा स्यु तदाष्टादश प्रभेदम ब्रुवते लृपक इति। जिन लोगों के मत में यदृच्छा शब्द होते हैं, मोहित जी इसको ऊपर लेके चलिए, अथवा उनका अशक्ति के अनुकरण में प्रयोग करते हैं, तब लृकार को भी दीर्घ मान करके उसके भी 18 भेद कहे जाते हैं। तो उसके लिए उदाहरण दिया, व्याकरण में प्रयोग मिलता है इसका, लृपक के इस प्रयोग में होते हैं, शब्द की सिद्धि करते हैं। जैसे राम शब्द है ना, तो सबसे पहले सिद्धि की जाती है कि भाई शब्द बनते कैसे हैं। ये धातु है, ये प्रत्यय है, तो इन धातु और प्रत्ययों से शब्द बनते किस किस प्रकार से हैं। रमु क्रीडायाम धातु है और उसमें सु प्रत्यय लगता है, सु औज सम औट सस इत्यादि प्रत्यय होते हैं, तो उसमें सु प्रत्यय लग करके रमु धातु है, तो उसका रमु से हलंत्यम से अंतिम जो है उसकी संज्ञा हो जाती है, तो रम बचता है। फिर जो सु है उसका भी अंतिम जो हल उकार है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। वो इस प्रकार से बनते बनते फिर ऐसे रामः शब्द सिद्ध होता है, वो एक बड़ी प्रक्रिया है। तो शब्दों की सिद्धि जब व्याकरण में करते हैं, वहां पर ये ऐसा प्रयोग आपको मिलता है कि अशक्तिज के अनुकरण में, ठीक है, वहां पर इस लृकार को भी 18 भेद वाला मान लिया जाता है, यानी दीर्घ मान लिया जाता है इसको। मुख्य रूप से ये होता नहीं है इतना। संधि अक्षराणाम आगे देखेंगे, संधि अक्षराणाम ह्रस्वा न संति तान्यपि द्वादश प्रभेदानी। संधि अक्षरा ऐसा है ना, तो इसको पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संधि अक्षराणाम। संधियों के जो अक्षर हैं वो कैसे, ह्रस्व न संति, ह्रस्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो इसलिए क्या है, तान्यपि, तानी अपि द्वादश प्रभेदानी, इसलिए वो केवल 12 भेद वाले होते हैं। तो संधि अक्षर किनको कहते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर के एक वर्ण बना होता है, जैसे ए, एकार है ना, ऐसे ही ऐकार, ओकार, औकार, चार वर्ण है ना, तो इनको दीर्घ माना जाता है। दीर्घ वहां पर हमने पढ़ा था ना कि ये दीर्घ है चारों, जैसे पीछे से बोलते हुए आ रहे थे कि भाई हसु आदि को बोलते चलिए, तो प्रयोग में कैसा सिखाते बच्चों को, अ आ, ऐसे ही फिर वहां पर चलते चलते ई ई, और जब आगे इन पर आते तो कैसे कर देते हैं, ए आई, जबकि बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि दोनों संधि अक्षर हैं, दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। और गंभीरता में जाएंगे तो आपको पकड़ में आएगा कि जो संधि अक्षर अर्थात दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, तो जहां दो जुड़ गए, ह्रस्व जमा ह्रस्व बराबर दीर्घ, भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, अगर ऐसे भी देखें तो माइनस माइनस जब दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक ऐसे ही। तो जब दो ह्रस्व हैं तो मिल जाएंगे तो दीर्घ ऐसे ही हो जाएंगे, यदि इस गणना से भी समझे तो सामान्य रूप से। तो ये चार वर्ण दीर्घ होते, इनके लिए इन्होंने कहा संधि अक्षराणाम, संधि अक्षर जो होते हैं वो दीर्घ नहीं होते, उनका ह्रस्व भेद नहीं होता, इसलिए वो भी 12 भेद वाले माने जाते हैं। अंतस्था द्विप्रभेदा, द्विप्रभेदा रेफ वर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। क्या कह रहे हैं, अंतस्था, जो अंतस्थ वर्ण है कौन कौन से हैं, य र ल व, ये चार, इनमें
रेफ को छोड़ दीजिए, रेफ वर्जिता, देखो सूत्र में भी पढ़ा है ना उन्होंने, रेफ वर्जित, रेफ को छोड़कर, वर्जिता का तात्पर्य रेफ को छोड़कर। बाकी जो तीन अंतस्थ बचते हैं तो य, ल और व, इनके भी देखें तो दो दो प्रकार के इनका विभाग हमें मिलता है। मुझे कैसा कैसा मिलता है तो देखो, ये तीन सानुनासिक हैं और तीन निरनुनासिक दोनों, जैसे ऊपर बताया तो ऐसे इनके लिए भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके भी कितने भेद हो जाएंगे अगर देखेंगे तो, दो दो। अंतस्था द्विप्रभेदा, अंतस्थ जो है वो दो भेद वाले हैं। कैसे हैं? और रेफ वर्जिता, रेफ वर्जित है, रेफ का दो प्रभेद नहीं माने जाते, तो बचे तीन। तो इनके कैसे कैसे हैं? दो भेद, एक सारुनासिक है और एक निरनुनासिक है, ऐसा। और इनका, इनकी परिभाषा को देखें तो कह रहे हैं जिसलिए अर्थात इसलिए, या इस प्रकार र और ऊष्म अर्थात श, सह का कोई सवर्णी नहीं हो, नहीं, क्षमा चाहूंगा मैं आगे चला गया, और रा को छोड़कर अंतस्थ अर्थात य, ल, व, ये तीन सानुनासिक य, ल, व, और निरनुनासिक में य, ल, व भेद से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें ऊपर वाली बात मत घटाना। कौन सी? नौ नौ प्रकार वाली। हाँ, नौ प्रकार वाली बात मत घटाना कि इनका भी उदात्त अनुदात्त, अनुदात्त उदात्त तो होगा, हो सकता है इनका, लेकिन ह्रस्व दीर्घ इनका नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, इनके साथ मान लीजिए अकार ह्रस्व अकार होगा तो यहां पर ह्रस्व हो जाएगा, और यदि इन अंतस्थ वर्णों के साथ एकार हो जाए या अईकार हो जाए, ओकार हो जाए या औकार हो जाए, तो उस रूप में दीर्घ भेद भी इनका इनका नहीं हो रहा है। देखो मूल बात समझो, क्योंकि सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर चाहिए, बिना स्वर के वर्णों का उच्चारण नहीं हो होता ही सकते नहीं, हैं। तो भेद कब संभव है? तो मुख्य रूप से जो ये जो भेद होते हैं ना 18, ये स्वरों के ही भेद हैं, व्यंजनों का इनमें कोई मैटर है नहीं, लेकिन व्यंजनों की दृष्टि से बहुत अधिक गंभीरता में जाकर के इन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि ये जो अंतस्थ वर्ण हैं इनके दो भेद माने जाते हैं, एक अनुनासिक, एक निरनुनासिक और एक सानुनासिक। सारुनासिक। ठीक है, आगे देखेंगे, रेफोष्मणाम सवर्णान संति, रेफ और ऊष्म, रेफोष्मणाम, रेफ ऊष्माणाम ऐसा होना चाहिए था, रेफोष्माणाम ऐसा होना चाहिए था, संभव या। चलिए तो पदच्छेद करेंगे तो रेफ और ऊष्माणाम सवर्णान संति, जो रेफ है और ऊष्म वर्ण है, कौन कौन से ऊष्म? तो वही चार, तीनों शकार और एक हकार, इनका सवर्णान संति, इनका कोई सवर्ण ही नहीं होता। अब सवर्णी किसे कहते हैं? आप प्रश्न कर सकते हो कि भाई सवर्णी किसे कहते हैं, आपका ये प्रश्न बन सकता है स्वाभाविक रूप से। इसका उत्तर आपको अगले सूत्र में मिलेगा, यहां से इसी को पढ़ते हैं तब अच्छे से स्पष्ट होगा, क्योंकि मैं अतिरिक्त परिश्रम करूं उससे अच्छा है कि अगले सूत्र को पढ़ लें, वहां से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न के समाधान के लिए ही इन्होंने अगला सूत्र पढ़ा है। क्या है? वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्ण, वर्ग्यो वर्ग्येण, इनका अर्थ देखो पहले, परंतु कुचु टू तुपु, इन पांच वर्ग और य, ल, व, इन तीनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। कैसे मानी जाती है तो सरलता से समझो, जैसे ककार का सवर्णी खकार समझा जाता है वैसे समझना चाहिए। एक उदाहरण दे दिया, बाकी को स्वयं समझ लो। तो देखो कैसे समझे,
भाई देखो, कावर्ग का सवर्णी, जैसे मान लीजिए पांचवी कक्षा में है 20 छात्र और छठी कक्षा में है 30 छात्र और सातवीं कक्षा में है 35 छात्र, आठवीं कक्षा में 20 ही, तो ये बताओ सवर्णी कौन 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 सी कक्षा का होगा? उत्तर दो आप में से कोई, यदि ये प्रश्न, यदि ये बात स्पष्ट है तो। आठवीं और छठी, छठी में 20 बताए हैं ना, आठवीं और छठी सवर्णी हो गए। हाँ, यहीं पर चलिए, प्रयास अच्छा है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए, देखो सवर्णी आपने एक दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से आपने सवर्णी पकड़ा है, लेकिन यहां पर योग्यता की दृष्टि से सवर्णी देखना है। तो देखो संख्या के दृष्टि से तो छठी कक्षा का भी और आठवीं कक्षा का भी संख्या तो समान है, लेकिन सवर्णी कौन किसका माना जाएगा? अब यदि छठी कक्षा के छात्र को आप आठवीं कक्षा का पाठ्यक्रम उठा करके दे दें, उससे कहें कि इसको आप इस ये प्रश्न पत्र इसको हल करके लाइए, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे नहीं। ही आठवीं कक्षा के छात्र को यदि छठी कक्षा का पाठ्यक्रम दोगे तो वो तो हल कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ करके आगे बढ़ा है। तो सवर्णी का तात्पर्य यहां पर क्या लेना है? उस वर्ग वाला। हाँ, समान कक्षा। तो कुचू टुतुपु इन पांच वर्ग, और देखो वैसे तो अंतस्थ भी तो एक वर्ग है ना, इन्होंने अंतस्थ लाह कहा और ऊष्म कहा। भाई एक और प्रश्न बन सकता है आपका, आगे आगे जो प्रकरण आ रहे हैं ना उनमें ये स्वयं उत्तर भी देंगे, लेकिन शायद आपका अभी इतना गंभीर चिंतन है नहीं क्या प्रश्न होना चाहिए या ये अगला प्रकरण आया क्यों। जब तक आपका ऐसा गंभीर चिंतन नहीं होता तब तक ये प्रश्न नहीं समझ में आता, ये प्रश्न ही नहीं बनेगा, या जो मैं प्रश्न आपकी आपकी ओर से मैं ही प्रश्न कर रहा हूं ये आपको स्पष्ट ही नहीं होगा। लेकिन समझने का यत्न कीजिए, समझिए तनिक। आप यहां पर यह प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे कु से कवर्ग लिया आपने, और कवर्ग में जैसे का किसका सवर्णी है? खा का, गा का, घा का। भाई क खा ग घ ग, ये पांचों वर्ण एक दूसरे के सवर्णी, क्योंकि एक वर्ग में पड़े हैं कवर्ग में। ठीक ऐसे ही जब अंतस्थ कहा तो अंतस्थ में भी तो यर लव, तो फिर इनको सवर्णी क्यों नहीं माना, रेफ को क्यों हटा दिया? और ऊष्म के विषय में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इति षष्ठम प्रकरणम, समाप्त कर दिया। जब कु कहने से कवर्ग लिया और कवर्ग के जो आपस में पांचों वर्ण हैं वो आपस में सवर्णी है, ऐसे ही चवर्ग के, ऐसे ही टवर्ग के, ऐसे ही तावर्ग के और ऐसे ही पवर्ग के। तो जब ये पांचों वर्गों के जितने भी वर्ण हैं वो प्रत्येक अपने वर्ग के सवर्णी हैं, तो फिर अंतस्थ में भी तो चार वर्ण हैं, ऐसे ही ऊष्म में भी तो चार वर्ण हैं, फिर इनको सवर्णी क्यों नहीं माना, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। स्पष्ट हो रही है गौरव जी बात? ये जी आचार्य जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? जी चलिए, तो यहां पर कह दिया इति षष्ठम प्रकरणम। तो इन्होंने केवल एक बात कही कि ककार का सवर्णी खकार समझा जाता है, वैसे समझना चाहिए। तो यदि कवर्ग को ले तो कवर्ग में जो पांचों अक्षर है ना वो पूरे वर्ग में जितने भी पांचों अक्षर है वो एक दूसरे के सवर्णी, यानी ककार का सवर्णी खकार भी है, गकार भी है, घकार भी है, और उल्टा कर लो मध्य से आदि को चले जाओ, मध्य से अंत को आ जाओ, अंत से मध्य को चले जाओ, चाहे जैसे चले जाइए, इसी वर्ग में कह रहा हूं। जैसे गा से का की ओर आ जाए वापस, या गा से गा की ओर आ जाए वापस, या गकार से मध्य की ओर चले जाए अर्थात गकार की ओर, इत्यादि। यहां पर आपका छठा प्रकरण पूरा होता है। इस प्रकरण का नाम था वृत्तिकार।
इस प्रकरण में हमने मुख्य रूप से ये देखा कि भाई वर्ण तो थे ही, वर्णों का स्थान कहा, फिर करण कहा, फिर दोनों प्रकार के प्रयत्न कहे, फिर वायु का ताड़न कहा, लेकिन इनका एक और व्यवस्था बता रहे हैं कि वृत्तिकार किस किस प्रकार के भेद भी इनके होते हैं उस रूप में। और इसके बाद का जो प्रकरण है उसका नाम है प्रक्रम, प्रक्रम प्रकरण। यदि आप वहां जाकर के देखेंगे उस श्लोक में तो प्रक्रम एशो अथ नाभि तलात ऐसा मिलेगा, देख लेना अपनी यदि पुस्तक है तो वहां से, या अन्यथा पीडीएफ में देख लेना बाद में। ये तो देखो अथ सप्तम प्रकरणम, मोहित जी ऊपर लेकर के चलिए, क्या कह रहे हैं, इतेश क्रमो वर्णानाम, बस बस इति एश क्रम वर्णानाम, क्रम वर्णानाम ऐसा, यह पूर्व अकार आदि वर्णों का क्रम कहकर, अर्थात क्या बताया, इन वर्णों का क्रम क्या है वो सब कहकर के, तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः, तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः। मैं दो बार उच्चारण इसलिए कर रहा हूं कि आप समझें, वर्णोच्चारण पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि यदि भविष्य में कभी वेद, किसी वेद को पढ़ाया जाए या वेद मंत्रों के किसी सूक्त को पढ़ाया जाए, मंत्रों के कुछ प्रकरणों को पढ़ाया जाए, तो आपका उच्चारण ऐसा ही होना चाहिए स्पष्ट। और अंत में इनकी एक प्रेरणा देखिएगा, इस पुस्तक के अंत में एक बड़ी सुंदर प्रेरणा आपको प्राप्त होगी, पढ़ाने समझाने के पश्चात भी इनकी क्या प्रेरणा है समूची मानव जाति के लिए। तो तत्र इते कौशिकीयाः श्लोकाः, कहते हैं तत्र एते, ये कौशिकीयाः श्लोकाः, कौशिकीय जो ऋषि हैं, कौशिक ऋषि हैं, उनके श्लोक हैं, और उनके श्लोकों के आधार पर कुछ विशेष विषय को आगे कहते हैं। अब एक बात स्पष्टता से समझ लीजिए, आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो महर्षि पाणिनि जी का नहीं है। पहले इन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी कि तीन मुनियों का माना जाता है व्याकरण को, लेकिन वर्णोच्चारण शिक्षा की दृष्टि से महर्षि दयानंद जी ने जिस पुस्तक का संपादन किया, उन्होंने किन किन के मतों को संकलित किया है, संग्रहित किया है, आप अनुमान लगा सकते हैं। कौशिक ऋषि हुए हैं और उनके श्लोकों को भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में यथास्थान दिया है। इससे भी अनुमान लगा सकते हो कि ऋषि दयानंद का जो अध्ययन था वो कितना व्यापक था, कितना व्यापक अध्ययन था। और यदि दर्शनों पर वो काम करते तो आज हमारे पास ऐसी उत्तम स्थिति प्राप्त होती कि जिसकी कल्पना संसार भर में कोई नहीं कर सकता था। देखो ऋषियों का काल तो वो तो रहा ही होगा बहुत उत्तम, लेकिन यदि दर्शनों पर कार्य करने का उनको अवसर मिल जाता, वेदों का भाष्य ही पूरा नहीं होने दिया। अस्तु, तो आगे जो हम पढ़ेंगे, इससे आगे जो प्रक्रम नाम का हमारा प्रकरण है उसमें महर्षि कौशिक हुए हैं, ये कौशिक गोत्र भी चलता है, तो उन्होंने कुछ श्लोक कहे, उन श्लोकों के आधार पर आगे हम प्रकरण को देखेंगे। और आज का समय पूरा हो गया है तो आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। विराम देने से पूर्व यदि आपका किसी का कोई प्रश्न है इस कक्षा से संबंधित तो आप प्रश्न को रखिए। सप्तम वर्णम का नाम क्या है, प्रकरणम प्रक्रम मुझे एक बार लिख करके बता दीजिए इनको, प्रक्रम इस प्रकरण का नाम है प्रक्रम,
एक होता है कर्म और एक होता है क्रम, जैसे क्रमानुसार, प्रक्रम। क्रम ऐसा, प्रक्रमा, ये नाम है इस प्रकरण का। ठीक है गौरव जी। जी आचार्य जी। जी शोभा माता जी। ये जो सप्तम जो अध्याय है उसमें लिखा कहाँ है प्रक्रम, और इसके पहले जो आप पढ़ाए हैं उसमें कुछ नाम बता रहे थे, वो भी लिखा कहाँ पे है ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, म्यूट कीजिए। माता जी का प्रश्न ये है कि जैसे आपने अभी ये जो प्रकरण पढ़ाना आरंभ किया, इसका नाम है प्रक्रम प्रकरण। इससे पूर्व जो छठा प्रकरण था उसका, उस प्रकरण का नाम था वृत्तिका। तो इनका प्रश्न ये है कि ये तो इनमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस इन प्रकरणों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन प्रकरणों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो नामकरण जो होता है, किसी ग्रंथ में जब किसी अध्याय का या किसी प्रकरण का नामकरण किया जाता है तो वो उस विषय के आधार पर किया जाता है। जैसे ऐसे समझिए, सरलता से आपको स्पष्ट होगा, जैसे सबसे पहला प्रकरण क्या था? स्थान, क्योंकि उसमें स्थानों के विषय में कहा था, वर्णों के उच्चारण के कौन कौन से स्थान है, इसलिए उसका स्थान प्रकरण कहा। ऐसे ही फिर करण क्या है, अर्थात साधन, तो वो जिह्वा को बताया, फिर जिह्वा की अलग अलग स्थितियां, वो सब स्थान था, स्थान वही रहेगा लेकिन उसमें जिह्वा भी मुख्य साधन हो गई, फिर बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न इत्यादि। तो विषय की दृष्टि से अब यूं तो आप ये भी कह सकते हो ना, सभी जो जो प्रकरण अभी तक हमने पढ़े हैं उन सभी में तो नाम नहीं आया ना, स्थान में भी आया था, करण में भी आया था, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न में कहीं आया और बाह्य प्रकरण में कहीं आया, और यदि यहां तक आ भी गया तो इसके आगे तो नहीं आया ना इन दो प्रकरणों में। तो नामकरण उस विषय के आधार पर किया गया। ठीक है माता जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।